हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इंडिया के अंदर गाइस 15,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन रियलमी और रेडमी के सेल होते हैं। रीजन सिंपल है, रियलमी और रेडमी ये दोनों ही ब्रांड कम प्राइस पॉइंट पर बेस्ट फीचर्स को ऑफर करते हैं, इसलिए इनके स्मार्टफोन कस्टमर को ज्यादा पसंद आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 बेस्ट रियलमी के स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें आप 10 से 15,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर परचेज कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो 15,000 के नीचे रियलमी के काफी सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, लेकिन हमने इस वीडियो में उन्हीं टॉप 5 स्मार्टफोन्स को पिक किया है जो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। इट मीन्स कि आपको इन पांचों रियलमी के स्मार्टफोन में प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं। तो गाइस, अगर आपका भी बजट 10 से 15,000 रुपए के बीच में और आप किसी रियलमी के स्मार्टफोन को परचेज करने की सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो लिस्ट में पहला स्मार्टफोन है रियलमी का रियलमी C35, जो कि 5वें नंबर पर आता है। इसके 4+64GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 12,000 रुपए और ये स्मार्टफोन 8.1mm की थिकनेस और फ्लैट एजेस के साथ आता है। लुक वाइज भी ये स्मार्टफोन देखने में काफी अच्छा लगता है। फीचर्स की बात करें तो इसके फ्रंट में वी कट डिजाइन में 6.6 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलती है, जो की स्टैंडर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का J1 सेंसर है, सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और थर्ड 0.3 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर मिलता है। और इसके फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सोनी IMX355 सेंसर दिया गया है। तो इसके फ्रंट और रियर कैमरे में रियलमी ने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेस्ट कैमरे सेंसर को ऑफर किया है। वहीं ये स्मार्टफोन 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और परफॉर्मेंस के लिए रियलमी ने इस स्मार्टफोन में यूनिसोक के चिपसेट टाइगर T616 को ऑफर किया है, जो कि 12nm फैब्रिकेशन पर बेस्ड है और एंटूतु स्कोर भी इसका 2,00,000 के अराउंड है। तो इसमें आप नॉर्मल गेमिंग भी काफी अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा आपको इस स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, 3.5mm हेडफोन जैक भी मिल जाता है और एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। तो ये सभी फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाते हैं। तो गाइस, अगर आपका बजट 12,000 रुपए के अराउंड है तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हो। वहीं लिस्ट में 4th नंबर पर स्मार्टफोन आता है Realme 9i और इसके 4+64GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 13,000 रुपए, लेकिन बैंक ऑफर्स इंक्लूड करने के बाद में आपको ये स्मार्टफोन 10,500 रुपए में मिल जाता है। ये स्मार्टफोन 8.4mm की थिकनेस के साथ आता है। इसके रियर में प्लास्टिक बैक के साथ में टेक्सचर डिजाइन मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, डुअल स्पीकर है, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है, 4G वोल्टी 3.5mm हेडफोन जैक और एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके फ्रंट में लेफ्ट साइड में ओ कट डिजाइन वाली 6.6 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलती है, जो कि 90Hz हाई रिफ्रेश रेट और 180Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ आती है। इसके रियर में भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, जो कि सैमसंग का J1 सेंसर है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का ही मैक्रो शूटर मिलता है और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सोनी IMX471 सेंसर दिया गया है। ये स्मार्टफोन भी 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और परफॉर्मेंस के लिए रियलमी ने इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर को ऑफर किया है, जो कि 6nm फैब्रिकेशन पर बेस्ड है और एंटूतु स्कोर इसका 2,50,000 से अबव है। तो परफॉर्मेंस भी आपको इस स्मार्टफोन की ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी और गेमिंग भी आप यहां पर काफी अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। तो गाइस, अगर आप इस स्मार्टफोन को बैंक ऑफर्स के साथ में परचेज करते हो तो ये स्मार्टफोन 10,500 रुपए की प्राइस पॉइंट पर वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होगा। वहीं लिस्ट में 3rd नंबर पर स्मार्टफोन आता है रियलमी 8i और इसके 4+64GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 14,000 रुपए और बैंक ऑफर्स इंक्लूड करने के बाद में ये स्मार्टफोन आपको 13,300 रुपए में मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन भी काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है। इसमें 6.6 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलती है, जो कि 120Hz हाई रिफ्रेश रेट और 180Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ आती है। और इस प्राइस पॉइंट पे 120Hz का मिलना भी काफी कमाल की बात हो जाती है। इसके रियर में भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि 50+2+2 मेगापिक्सल का है और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और ये स्मार्टफोन भी 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको MediaTek Helio G96 गेमिंग चिपसेट मिलता है, जो कि 12nm फैब्रिकेशन पर बेस्ड है और एंटूतु स्कोर भी इसका 3,50,000 के अराउंड है, जो कि स्मार्टफोन की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इनफ रहेगा। और ऑनलाइन गेमिंग्स में भी आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आपको इस स्मार्टफोन में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है,
ऑडियो जैक और एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। तो गाइस 14,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर आपको इस स्मार्टफोन में 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट, 50MP का सैमसंग का J1 सेंसर, 5000mAh की बड़ी बैटरी, मीडियाटेक हीलियो G96 गेमिंग प्रोसेसर, इन सभी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो गाइस अगर आप गेमिंग स्मार्टफोन को इस प्राइस पॉइंट पर सर्च कर रहे हो तो ये स्मार्टफोन आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। वहीं लिस्ट में सेकंड नंबर पर स्मार्टफोन आता है रियलमी का लेटेस्ट स्मार्टफोन रियलमी 9 5G, जिसे कुछ दिन पहले ही इंडिया में लॉन्च किया गया था। इसके 4+64GB वाले वेरिएंट की प्राइस से 15,000 रुपये और बैंक ऑफर्स इंक्लूड करने के बाद में ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ 13,000 रुपये में मिल जाएगा। इट मीन्स कि आपको 13,000 रुपये की प्राइस पॉइंट पे आपको रियलमी का एक 5G स्मार्टफोन मिल रहा है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले मिलती है, 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट है और 180Hz का टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाता है। इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है जो कि 48+2+2MP का है और फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा लगा हुआ है। इसमें भी 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर मिलता है जो कि 6nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ 5G चिपसेट है और एंटीटू स्कोर इसका 4 लाख से अबव है। तो इस स्कोर से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो परफॉर्मेंस है वो हमें इस स्मार्टफोन की काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट है, 5G बैंड और एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। तो गाइस अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे किसी 5G स्मार्टफोन को सर्च कर रहे थे तो ये स्मार्टफोन आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। वहीं लिस्ट में लास्ट स्मार्टफोन है रियलमी 8, जो कि पहले नंबर पर आता है, जो कि अंडर 15,000 रुपीज में रियलमी का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन माना जाता है क्योंकि रियलमी ने इस स्मार्टफोन के सभी सेक्शन में बेस्ट फीचर्स को प्रोवाइड किया है। इसमें 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और बहुत कम कंपनी अंडर 15,000 रुपीज में सुपर एमोलेड डिस्प्ले को ऑफर करती है। वहीं इसके रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जो कि 64+8+2+2MP का है और फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। ये स्मार्टफोन 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है जो कि 30W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और परफॉर्मेंस के लिए आपको इसमें मीडियाटेक हीलियो G95 गेमिंग चिपसेट मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट है, ऑडियो जैक, 4G वोल्टी और एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। प्राइस की बात करें तो गाइस इसके 4+128GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 16,000 रुपये और अगर आप SBI के क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ 12,000 रुपये में मिल जाएगा। इट मीन्स कि आपको 4,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट इस स्मार्टफोन पर मिल रहा है और ये इस स्मार्टफोन का अब तक का सबसे लोएस्ट प्राइस है। तो गाइस 12,000 रुपये की प्राइस पॉइंट पर आपको इस स्मार्टफोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 64MP का मेन कैमरा, 5000mAh की बड़ी बैटरी और गेमिंग चिपसेट, इन सभी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो गाइस अगर आप इन फीचर्स के साथ में किसी स्मार्टफोन को सर्च कर रहे थे तो ये स्मार्टफोन आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। तो गाइस ये थे रियलमी के कुछ टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज। बाकी गाइस आप मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको इन पांचों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेटर लगा प्राइस रेंज के हिसाब से, बताना जरूर कमेंट्स करके। तो दोस्तों बस आज की फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम यहाँ पर रोजाना ऐसी कमाल की टेक वीडियो सबसे पहले लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।